ना हरस ना दीना। अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना वो दुखी नहीं होता। संसार मिल जाए इसकी खुशी नहीं है और संसार चला जाए इसका गम नहीं है। संसार मिल जाए तो खुश हो जाए, चला जाए तो दुख हो जाए। ये संसार के व्यक्ति के आचरण है। जो भगवान के आश्रित है वो कुछ मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होता और कुछ चले जाने पर वो दुखी नहीं होता। हर समय संभाव में रहे। एक ट्रेन में दो लोग बैठे थे, एक संत जी थे और एक सेठ जी थे। सेठ जी ने संत जी से कहा, अरे संत जी, आप भी और दोनों एसी वाले डिब्बे में बैठे थे, सेठ जी भी और संत जी भी। तो सेठ जी ने संत जी से कहा, संत जी तुम तो साधु हो, तुम्हें एसी की क्या जरूरत है? और तुम्हारे पास इतने सारा सामान भरा है, ये देखो झोला झोला झोला। तुम तो संत हो, इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों के पास थोड़ा बहुत सामान होए तो चलेगा। संत जी चुपचाप सुनते रहे। सेठ बोलता रहा कि आप तो साधु हैं, एसी में चलने की क्या जरूरत है? आप तो साधु हैं, इतना सामान रखने की क्या जरूरत है? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आप कहो। सेठ जी ने कहा कि तुम में और हम में क्या अंतर रहा? भाई तुम संत हो, हम गृहस्थ हैं, पर तुम भी गृहस्थों जैसे सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हो। आगे के स्टेशन में ट्रेन रुकी तो सेठ जी पानी लेने के लिए उतरे, तो पीछे पीछे संत भी उतर गए। और संत जी ने सेठ जी से अब प्लेटफॉर्म पर उतरकर कहा, संत जी ने कहा कि आपने कहा था कि तुम में और हम में अंतर क्या है? हाँ, सेठ जी ने कहा बता। संत जी बोले चलो वो कुर्सी खाली है, वहां चलते हैं, दोनों जन बैठते हैं, वहीं बताएंगे। सेठ जी चले, रेलवे स्टेशन में चेयर पड़ी, कुर्सी पड़ी रहती, दोनों जन जाके बैठ गए। संत जी ने कहा, सेठ जी तुम में और हम में अंतर ये है कि तब तक ट्रेन चल पड़ी, और ट्रेन जब चली तो सेठ जी खड़े हो गए, तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया, यहां बैठो, हमारे प्रश्न का उत्तर तो सुन लो, तुमने सवाल पूछा था। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं ट्रेन चलने लगी, वो हमारा सामान रखा उसमें। संत जी ने कहा, नहीं नहीं सामान तो हमारा भी रखा है, उत्तर तो सुन लो, यहां बैठो यहां। अब सेठ जी जोर लगाए पर संत भी जोर लगा के बैठ गया, सुन मेरा उत्तर। और ट्रेन तो तेजी से, अब सेठ बोले छोड़ो हमारा सामान रखा उसमें। संत जी बोले, ये बताओ कि सामान तुम्हारा ज्यादा था कि हमारा? सेठ जी ने कहा, सामान तो तुम्हारा ज्यादा था। तो संत जी ने कहा, जब सामान हमारा ज्यादा था तो हमें भड़बड़ी नहीं है, तुम काहे परेशान हो रहे, बैठो यहां, उत्तर सुनो, उत्तर सुनो पहले पूरा। भैया ट्रेन चली गई, संत जी ने नहीं छोड़ा। अब सेठ रोने लगा। संत जी ने कहा, उत्तर मिल गया? बोले किस बात का? बोले सामान हमारे पास भी था, सामान तुम्हारे पास भी था, लेकिन तुम सामान में इतने अटैच थे कि चला गया तो रो रहे हो, सामान हमारा भी गया पर हम देखो प्रसन्न हैं, हमारे पास सामान है पर सामान में आसक्ति नहीं है। ये संत में और गृहस्थ में अंतर है। सामान दोनों के पास है पर आसक्ति नहीं है। तुम्हारा एक जरा सा नुकसान हो जाए तुम रो देते हो, और संतों का तो ऐसा है कि भगवान के आश्रित है, जो है सेवा के लिए है, भगवान के आश्रित है। भाई जीवन है तो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो। अब संत हमारे देश में मुख्यमंत्री
पूज्य योगी जी हैं, संत हैं, साधु हैं, अब उन्हें राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो राज्य संभालेंगे, चलाएंगे चलाएंगे, लेकिन अब वो आसक्त नहीं है। और लोग तो रोने लग जाते कि हमारा ये चला गया वो चला गया, लेकिन वो हर स्थिति में प्रसन्न है और सेवा निष्कपट भाव से कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई बीवी ना कोई बच्चा ना कोई परिवार, किसके लिए जोड़ना, गृहस्थ आदमी के पास जोड़ने की संभावना है, संत का जोड़ेगा, किसके लिए जोड़ेगा। इसलिए संत काम करते हैं लेकिन वो वैसे ही रहते हैं समाज में जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रह करके बिल्कुल पानी से परे रहता है, संसार में रह करके संसार के हर बंधन हर उलझन से संत अपने आप को अलग रखता है। हाँ, अब वो सेठ तो लगा रोने, हमारी तो तुम्हारे चक्कर में ट्रेन छूट गई, संत बोले और ले लो प्रश्न का उत्तर, बड़े होशियार बन रहे थे। संत जी बोले अब रो मत, पीछे ट्रेन आ रही है, उसके जर्नल डिब्बे में दोनों जन चलेंगे, हम तो एसी में भी रह लेते हैं, जर्नल में भी हो तुम, अब वो जर्नल में बैठा तो लगा रोने, हमें यहां तो बड़ा गर्मी लग रही है। संत बोले हम भी तो गर्मी लग रही है हमें भी, लेकिन तुम आसक्त, तुम उसके आदि हो गए हो एसी के, हम लोग सब में रह लेते हैं, जंगल की कंदराओं में भी रह लेंगे, हिमालय में भी रह लेंगे और तुम्हारे साथ भी, हम सब जगह रह सकते हैं, हम नहीं रोए तुम्हारी तरह, क्योंकि हमारे पास वस्तु है पर वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं। आप लोग गलती क्या करते हैं, अटैचमेंट इतना अधिक हो जाता है कि आप रोते हैं उसके लिए, जबकि उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, वो आज है कल रहेगी, इसका की कोई गारंटी नहीं है।